हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। इटली में कोरोना वायरस क्या कर रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये न्यूज है कल की, 20 मार्च 2020 की, और इटली में एक दिन में 627 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस लाइव अपडेट्स, 627 डाइज इन ए सिंगल डे इन इटली। ये फ्राइडे यानी 20 मार्च की जो है न्यूज है, यानी 627 लोग जो है इटली में एक दिन में ख़त्म हो गए, यानी उनकी डेथ हो गई। देखते हैं किस वजह से जो है इनकी डेथ हुई है, और देखते हैं वर्तमान में आज के दिन कितने केसेस हैं वर्ल्ड में। देखिए, कोरोना वायरस के वर्ल्ड में इस समय केस हैं 2,77,055, और डेथ हो चुकी है 11,423 लोगों की। रिकवर हो गए हैं 91,986 लोग। चाइना में सबसे अधिक केसेस हैं, देख रहे होंगे आप, 81,001, और लोग मर गए हैं 3,255। लेकिन इटली एक ऐसा देश है जिसने मरने की दृष्टि से चीन को भी पछाड़ दिया है। इटली में कुल केसेस हैं 47,021 और लोगों की डेथ हुई है 4,032। 4,032 लोग जो है ख़त्म हो चुके हैं, यानी उनकी डेथ हो चुकी है, और फ्राइडे को 627 लोग एक दिन में मर गए। क्यों मरे हैं, देखते हैं उनके कारणों को। देखिए, इटली में ज़्यादातर जो लोग हैं वो 65 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के हैं। लगभग 1/4 जो जनसंख्या है वो 60 से 65 उम्र से ज़्यादा वाले लोगों की है, और जो ज़्यादातर लोग मरे हैं कोरोना से वो 80 से 100 वर्ष की उम्र के बीच हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी उनके कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है जिसकी वजह से उनका प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होता है, तो जब कोरोना उन पर अटैक करता है तो वो उसको ज़्यादा मतलब सह नहीं पाता है उनका बॉडी सिस्टम, और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो अधिकतर इटली में बुज़ुर्ग लोग हैं जिसकी वजह से ये डेथ रेट ज़्यादा है। दूसरा रीज़न है टेस्ट हुए कम लोग, मौत का आंकड़ा ज़्यादा टेस्टिंग की कमी से इटली की मृत्यु दर के ज़्यादा होने के पीछे अहम कारण बनी हुई है। जिन लोगों को, खासकर युवाओं को, हल्के फुल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वे या तो टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं या उन्हें बिना टेस्ट के वापस भेज दिया जा रहा है। इनमें से कई ऐसे केस होते हैं जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, यानी इटली में टेस्ट जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं वो युवा लोग जो हैं वो करा नहीं रहे हैं, या तो उनको ऐसे ही बिना टेस्ट किए हुए भेज दिया जा रहा है, और उसमें से कोई लोग जो होते हैं जो वापस भेज दिए जाते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं कोरोना से, जिसकी वजह से वो दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी जो है कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और डेथ रेट ज़्यादा है चाइना से भी इटली का। कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर लगाम नहीं है। फिलाडेल्फिया के टेंपल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ में एपिडेमियोलॉजिस्ट क्रिस जॉनसन का मानना है कि इटली का असल मृत्यु दर 3.4 होना चाहिए। लोगों के टेस्ट नहीं कराने का कारण जो है ये संख्या बढ़ी है। इससे एक और बड़ा नुकसान यह भी है कि अभी तक सटीक तरीके से पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर लगाम नहीं लग पाई है और ये नहीं पता चल पाया है कि कितने लोग जो हैं इन्फेक्टेड हैं, जिससे जो है पूरे पूरे समुदाय जो हैं इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक व्यक्ति को हुआ, फिर वो जो उससे जो जुड़े हुए उनको हुआ, फिर उनसे ऐसे ऐसे करके जो है पूरा पूरा सोसाइटी और समुदाय जो है इन्फेक्टेड होता जा रहा है, और बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हैं इस वजह से ज़्यादा डेथ रेट है। इसी वजह से जो है इंडिया में जो है कहा जा रहा है कि अपने आप को आइसोलेट रखिए, घर में रहिए और ज़्यादा लोगों से नहीं मिलिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड मरीज से मिल जाएंगे या व्यक्ति से मिल जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा, इससे जो है आपसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनको कोरोना हो जाएगा। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर लगाम नहीं था, और इसी स्टेज को लेकर जो है इंडिया घबराया हुआ है, और इसीलिए जो है उसने 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने की मांग की है देशवासियों से। अगला, खस्ता हाल मेडिकल सिस्टम। आप सोच रहे होंगे जर्मनी जो इतना कह सकते हैं अच्छा खासा देश है, खस्ता हाल मेडिकल सिस्टम। इटली के भयानक हालात के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वह देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। अस्पतालों की हालत खस्ता हो गई है और बेड कम पड़ते जा रहे हैं। कोरोना के मरीज का फील्ड अस्पतालों में
इलाज चल रहा है। पब्लिक अस्पतालों के कॉरिडोर मरीजों की कतार से भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि इन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के पास अपनी सुरक्षा के लिए सामान नहीं है, जिसकी वजह से वो खुद इन्फेक्टेड हो रहे हैं। देर से हुआ लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन जो है वो देर से हुआ चाइना में, लिखा हुआ है। अब उल्लंघन कर रहे लोग, सरकार और प्रशासन ने शहर को पूरी तरीके से शटडाउन कर दिया है और सिर्फ ज़रूरी काम के लिए लोगों को बाहर आने की इजाज़त है। पुलिस किसी को भी सड़क पर टहलने की इजाज़त नहीं दे रही है। हालांकि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और नाजुक आर्थिक हालत के चलते लोग इन नियमों का उल्लंघन करने पर मजबूर हैं। पुलिस का कहना है अगर लोगों ने नियम नहीं माने तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है लॉकडाउन पहले ही कड़ा होना चाहिए था। लैबोरेटरी में ज़्यादा टेस्ट किए जाते तो हालात की गंभीरता को समझा जा सकता था। बाद में केंद्र बनाया गया, लैबोरेटरी जहाँ पर जो है टेस्ट किया जाना था उसको बाद में बनाया गया। शुरू में राजनीति हो रही ढीले रवैये के कारण जो है इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए। यानी लॉकडाउन जो है जर्मनी में किया गया, लेकिन वो लेट से किया गया और लोगों को कहा गया कि आप लोग जो है जो गवर्नमेंट कह रही है उसको मानिए, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। मास गैदरिंग और इन्जॉय करते रहे, जिसकी वजह से जो है लोग इन्फेक्टेड हो गए और बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा होने की वजह से इटली में जो जीवन प्रत्याशा है लगभग 82.5 वर्ष है, मतलब कह सकते हैं 82 वर्ष जो है वहाँ पर एक आदमी जीता है। तो बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हैं, इसी वजह से जो है वहाँ पर ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, और 22 मार्च को जो भी हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा है उसको मानिए और जनता कर्फ्यू को अपनाइए और कोरोना वायरस से बचिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।